मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। यो खाओ। कान्हा, बोलो काका, सिगरेट छुपा लो मुझे, मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका, किस सोच में पड़ गए? तिगरे छुपा लो मुझे। जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। जे तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। संकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला काका, मुझे शीघ्र निकालो ना यहाँ से, मैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते, देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ, आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? शीघ्र निकालो ना भोला काका, मैया आ रही है। मैं ना निकालूं? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। ततास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। ततास्तु। अब तो निकाल दो, मैं ये देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु, आप सच में अद्भुत हैं। मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया, मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु, आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो, आप चाहते तो इस मटके से स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा
पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगो, फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई करो है ना? हाँ? आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंच रही हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है। ये बात ना तो भूला काका को पता थी, ना संक्री मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच्ची तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि जो इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा, वो तो मैंने इसे कभी सुनाई ही ना है, फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान है भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा। मैंने तो इन्हें पहचान लिया, और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाए। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जे श्री हरि। बोला जिस रहस्य को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण। प्रभु, जिस रहस्य को इतने जतन से संभाल के रखा था, आज वो सबके सामने खुल गया। और तो और, मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे, पर मैंने एक न मानी।
सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटो है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु, अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़े चले आए। अपने आपको दोष मत दो मैया, आपके ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा से मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी भैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे चबा कर दो प्रभु, मुझे चबा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज, मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा, कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं ममता चाहिए मुझे। कानम, मेरे सामर्थ्य में हो तो अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ काना, कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का सोप पूरी तरह हिलाई नहीं था योग माया। मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति, भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता के रस से सेम को भी घनो जाता हूँ, इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करो योग माया, पर इन सबको बुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु, इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा।
प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। छड़ी पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी में पकड़ा रो है? नटखट कहीं का हंसी आ रही है। अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हसीना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे? तो घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा क्या हो गो? ना कछु ना, आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहे है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में भय ना लग रहा है इसे? हाँ हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू चल चल दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल तू कचू खा क्यों ना रोए? व्रति करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले, तो कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कचू करने का मेरा मन ही ना कर। तो बात तो सच्ची है, उसके बिना गोसारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों, मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा सगा का और मुख्य अधिक है।
रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। नाना मैं ना बोलूंगी, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि काना फिर से हमारे साथ गौचारण करने के लिए आने लगे। अरे बोलो ना यशोदा, क्या सोच रही थी? मैंने ना श्री नारायण को देखो है। हाँ तो वो तो मैं भी देख रहा हूँ, यही तो है हमारे सामने। जे वाले ना, तो मैंने साक्षात श्री नारायण को देखो है। वो भी अपने काना के भीतर देखो। काना के भीतर? ना मतलब काना और जे दोनों आमने सामने थे। मैं कुछ समझो ना यशोदा, नारायण और काना दोनों आमने सामने थे ना। मेरे कहने का अर्थ है कि काना और श्री नारायण एक दूसरे के आगे पीछे थे। अच्छा तो मतलब श्री नारायण आगे थे और काना पीछे था, पर अगर काना पीछे था तो तुमने कैसे देखो? ओहो, काना आगे था, श्री नारायण पीछे थे। यशोदा एक बार फिर से सोचकर बताओ कि नारायण आगे थे या काना आगे था, ठीक से याद करो। बता तो रही हूँ जी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी स्मृति है। बाबा इससे पहले कि उनके संदेह की अग्नि स्मृति की वायु पाकर और भड़क जाए, कुछ भी करो पर बुझाओ इसे। स्वप्न देखो है तुमने? हाँ संभव है स्वप्न ही था, पर यदि स्वप्न था तो सुबह सुबह उठते ही उसकी स्मृति क्यों ना आई? अब क्यों आ रही है उसकी स्मृति? और वो भी तब से जब से मैं भोनाराम के यहां से कान्हा को लेके आई हूं। जब मैं गई थी तो छड़ी मेरे हाथ में थी, पर फिर कान्हा ने मुझे छड़ी दी और मैं बैठी हुई थी। इस बीच कछु तो हुआ है। भैया की और चेतन स्मृति वापस आ रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है जी जब मैं वहाँ गई ना, भैया व्रत पूरा करने का सुबह मुहूर्त निकल जाएगा और अब तो भूख भी बहुत तीव्र लग रही है। हे नारायण, मैं तो भूल ही गई कि लल्ला भी तो कल से भूखा है। संतान की चिंता में सब कुछ भुला दे, ऐसी ही होती है ममता। और कान्हा को अच्छे से पता है कि इसको लाभ कैसे उठाना है। हाँ बाबा, लाभ ना, मैं तो मैया की ममता का आनंद उठाना चाहता हूँ, जितना संभव है उससे भी अधिक।
बलराम कान्हा को फिर से गौचारण आने के लिए केवल तू ही मना सकते है। तुम में ही वो क्षमता है, हमारी टोली के मुख्य गोपालक जो हो तुम। हाँ, और कान्हा के दाव भी तो हो तुम। हाँ, वो तुमको मना ना कर पाएगा। छोटा होने के नाते तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए कान्हा को। चिंता मत करो सखा, मैं कछु कहूँ और कान्हा ना माने ये तो संभव ही ना है। आज जो हुआ ना जाने और कितने समय तक मेरा सत्य आपसे छिपा रह पाएगा, इसीलिए आपसे अधिक से अधिक समय मैं आपके साथ ही बिताऊंगा। मैंने कह दिया तो समझ लो पत्थर पे रेखा खींच गई। कल से कान्हा हम सबके साथ अवश्य आएगा, अपना सारा समय हमारे साथ बिताएगा वो। अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? गौचारण के लिए चलना है ना, तुम्हें लेने आया हूँ। नाना तो मैं ना चल सकता, मुझे आज्ञा ना है। वो तो माखन चोरी के लिए भी नहीं थी, उस दिन जो वक्कासुर के सामने चले गए थे तुम तभी तो नहीं थी आज्ञा, इसलिए आज्ञा का बहाना मत ही बनाओ ना। बहाना नहीं दाऊ, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैया को फिर से दुखी ना कर सकते, और हम सबको दुखी कर सकते हो तुम। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा काना। घर पे रहते हुए कितने सप्ताह हो गए तुम्हें? तुम गोपालक हो काना, गोपालन करना तुम्हारा दायित्व है। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ना दाऊ, मैं ना चल पाऊंगा। बलराम, तुम तो कह रहे थे कि काना तुम्हारी हर बात मानता है, पर इसने तो बड़े भाई का अनादर कर दिया। रुक जाओ काना, सत्य बताओ, तुम छोटी माँ के कारण वन नहीं चल रहे हो या अब तुम्हें हमारे साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं गौचारण में तुम्हारी रुचि समाप्त हो गई हो? ना दाऊ, ऐसा कछु ना है, मुझे गौचारण ही बात प्रिय है और आप सबका साथ भी। तो फिर वन चलने में क्या समस्या है तुम्हें? अपने दाऊ की बात मान लो और चलो चुपचाप। मैंने सबको वचन दिया है कि तुम हम सबके साथ चलोगे। पर दाऊ, मैंने भैया को भी वचन दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है कि मेरे वचन का कोई मूल नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ काना, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। मुझे भी तो वचन दिया था तुमने। दाऊ, आप समझ क्यों ना रहे, मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। रुक जाओ काना। ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैंने बल्कि हम सब ने तुम्हारी हर शरारत में तुम्हारा साथ दिया है, चाहे माखन चोरी हो या गौचारण। और अब तुम अपने दाऊ को ही पीठ दिखा के जा रहे हो। दाऊ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता, मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। तो फिर तुम्हारे लिए मैया ही महत्वपूर्ण है। दाऊ नहीं, सखा नहीं, गयाओ भी नहीं। कान्हा ने तो तुम्हारी बात मानने से मना कर दियो बलराम, लगतो है सच्चो भाई ना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है कान्हा? कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। दाऊ, ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो अपने दाऊ की आज्ञा कभी नहीं टालते। ऐसा मत ही कहो दाऊ, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। मुझे तो लगता है छोटी माँ हाथ से क्रय करके लाई है तुम्हें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दाऊ? क्योंकि मैं वो सत्य देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। छोटी माँ और छोटे पापा दोनों गोरे हैं, और तुम अपना रंग देख लो, स्वयं विचार कर लो। जी तो मैंने भी सोचा था
बस बोला नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मेरी त्वचा का रंग अलग है, मैं उन्हीं का ही लल्ला हूँ। बस धूप में तुम सबके साथ इतना खेला हूँ कि मेरी त्वचा का रंग बदल को है। बड़बोली बात मत कर काना, स्वयं को बचाने के लिए हम पर दोष लगा रहे हो। सत्य तो ये है कि तेरी त्वचा सदैव से ऐसी थी काना। लग तो है ये कि बलन सही कह रहा है। इसका अर्थ है कि सस्ते में नन काका यशोदा काकी इसके हाथ से ग्रेट करके आए हैं। बालक हाथ में थोड़े ना मिलता है। हमारे घर में जो बछड़ा है उसको तो मेरे बाबा हाथ से ही लाए थे। पर मुझे हाथ से कोई ना लायो है, मैं अपनी मैया का ही लल्ला हूँ। यशोमती मैया का नंदलाला ही हूँ मैं। तुम्हें वन चलना है तो चलो या फिर मत चलो, पर छोटी माँ और छोटे बाबा का लल्ला होने का स्वांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भी अति करते हो काना, कब एक बालक की तरह व्यवहार करते हो और कब भगवान की तरह, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान की तरह? मैंने भगवान क्या क्या? हाँ हाँ कह दिया तो कह दिया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो। या फिर तुम सबको भी अपने मैया के पल्लू में बंद कर घर पे ही रहना है। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है काना, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो, कि तुम छोटी माँ के पुत्र नहीं हो। लल्ला रो क्यों रहे? अरे मैया को ना बताए को लल्ला, क्या हुआ? हाँ लल्ला क्यों रो रहे हो लल्ला, बता किसी ने कछु कही है क्या? क्या होगा लल्ला? मैं आपका लल्ला ना हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो तू, क्या होगा? आपका भी लल्ला ना हूँ मैं। कान्हा जी क्यों कह रहे हो लल्ला? मुझे पता चल गया है, मैं आप दोनों का लल्ला ना हूँ। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो मेरा ही लल्ला है ना। आप मुझे हाथ से गिरा करके लाई हो। लल्ला तुझे किसने कही कि हाट में बालक मिलते हैं? मिलते हैं, पूरी गैया का बालक भी तो हाट से ही आयो है। अच्छा क्षण भर के लिए मान लिया कि हाट में बालक मिलते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि तुझे हाट से ही लेके आए? मेरा रंग देखो और फिर अपना हाथ देखो, मैं रात के अंधेरा जैसा हूँ और आप दिल की उजारी जैसी। पापा का रंग भी आप जैसा ही है, बस मैं ही बावला हूँ। उससे क्या अंतर पड़ता है लल्ला? पड़ तो है, तभी तो दाऊ अन्य सभी
सखा ने ऐसा कहा। इस बात पर ध्यान मत दे, माँ की ममता और बाबा का स्नेह, इसका कोई रंग ना हो तो है लल्ला। तो फिर आप ही बताओ, भैया क्यों गोरी और मैं क्यों काला? हाट से आया क्रय होके सुन हो गए कृष्ण धीर, मैया गोरी बाबा गोरे। लल्ला मैं क्यों शाम, चल मेरे साथ, अभी सिद्ध हो जाएगा कि तू मेरा ही लल्ला है। चल ये दोनों लल्ला और मैया का मन कछु समझ ही ना आता, कछु ना कछु उत्पटांग करते ही रहते हैं। मैया ऐसे ले जा रही है मुझे कहाँ और क्यों? खाना आए हैं? कितने दिनों के बाद खाना आए हैं? आंखें पथरा गई थी मार्ग देखते देखते, आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करके मेरे वन का और मेरे मन का कोना कोना जैसे खेल उठा हो। बलराम, तुम्हारी योजना का भी कोई लाभ ना हो। योजना बना के छल में फंसाना मुझे नहीं आता। इस सब में तो केवल कान्हा ही प्रवीण है। कल उसने यशोदा काकी से हम सबकी शिकायत कर दी तो ले लग तो है कर ही दी। वो देखो, आजा। बलराम, जे बसंती कहाँ है? जे देख, बसंती हाँ, और उसका लल्ला वो गोपी, उन दोनों की त्वचा का रंग एक सा है। कान्हा, तू देख के बता, बसंती और उसके लल्ला का रंग एक सा है? और जे देख, डमरू, इसका जन्म तो तेरे सामने हुआ था ना हाँ, और उसकी मैया गोमती, इन दोनों की त्वचा का मिलान कर, एक सा रंग है? सब के सब गोपालक सामने आओ। अब तुम सब भी देख के बताओ, दोनों की त्वचा एक जैसी है या रंग अलग अलग है? अलग अलग है। श्रीदामा, तेरी गैया, जे देख सुभा, उन दोनों का रंग एक सा है कि अलग अलग? तो जब सुभा और श्यामू का रंग अलग हो सकता है, डमरू और गोमती का रंग अलग अलग हो सकता है, और जे गोपी और बसंती का रंग अलग अलग हो सकता है,
तो भी ये सब मैया और लल्ला ही है ना। क्षमा कर दो काना, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। आ गया तू दुर्जन, प्रहरियों आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहां है? वो बालक कहां है? यहां नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस हैं जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके। ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज, पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज। किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए जो उसका वध कर सके, और हाँ किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए जो अब तक भेजे गए हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूं महाराज। ये लो काना। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है काना। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काकी के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सबने, पर तुम वरना आकर
ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो काना? हाँ काना, मैंने लव साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदित बैठ तो है मेरा लक्स भेज। बहुत अच्छा लग शादो है। तूने देखा क्या ना, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख क्या ना, देखा मैंने भी लाठी चलाना सीख लियो है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लियो कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे है। मैं तुम सबके लिए बात प्रसन्न हूँ, बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ सखाओ, दाऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। चलो घर। मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जी जी, बलराम क्या होगो, इतना दुखी क्यों है? बलराम क्या होगो? छोटे बाबा, इतने दिन हो गए काना हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। क्रोध कितना भी क्यों ना हो बलराम, हमें सदैव अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द ना बाण की तरह होते हैं, यदि एक बार मुख रूपी धनुष से निकल जाए तो वापस ना आते। मुझे पता चल गया छोटे बाबा, पर मैं उसे कैसे मनाऊं? इस कला में तो कान्हा ही प्रवीण है, मुझे तो उसकी तरह भोलेपन से मुस्कुराना भी नहीं आता। बलराम तेरी भावना तो सच्ची है ना, बस उतना ही पर्याप्त? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है छोटे बाबा। मैंने बहुत प्रयास किया, आज क्षमा भी मांगी उससे, पर वो नहीं माना। शब्दों से जो घाव लगते हैं ना बलराम, वो एक बार में ना भरते। और वैसे
भूल तो तुम्ही ने की थी, तो कान्हा को मनाने का प्रयास भी तुम्हें ही करना चाहिए। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की, क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं मैया? उन्होंने मुझे कितना कछु बोला है? तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला, कब तक क्रोधित रहेगा? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना, छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो, एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं, समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे बाबा, बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है। मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। जा। कर दो काना, आप तो पहले ही क्षमा मांग चुके हो। पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं काना, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ, एक दूसरे की भूल से ऐसे ही सीखेंगे, एक साथ बड़े होंगे दोनों भाई। सुनो जी, आपको पता है क्या बलराम ने इतने दिनों में क्या क्या सिखाया? भाभी बता रही थी कि सुबह स्वयं से ही उठ जाता है और तैयार भी हो जाता है, समय का आदर करना सीख लियो है इसने। मुझे लगता है कि गौचारण पे जाना बलराम के विकास के लिए सहायक बन रहा है। अपने कान्हा को गौचारण के लिए जाने से रोक के कहीं मैं कोई भूल तो ना कर रही? आइए आइए ना महाराज। ये कहाँ लेकर आई हो प्राप्ति? मौन क्यों हो? मौन प्राप्ति, कौन है वहां? कौन है और महारानी प्राप्ति कहां है? मैंने पूछा कौन है यहां, सामने आओ। मैंने पूछा कौन है यहां, सामने आओ। Thank you.
कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस? यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी यह तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू? अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। क्षण अपने वास्तविक रूप में आ, अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। योमासुर, तुम अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अभी तुम्हारे प्राण ही ले लेता मैं। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए उस विष्णु अवतार का प्राण लेगा ही। व्योमासुर आपकी आज्ञा का पालन ना करें, ये तो संभव नहीं है महारानी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किसने मारा है। उसके भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वयं उसके माता पिता ने? मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया व्योमासुर? तुम तो वो छाया हो जो अपने ही तन को निकल जाए। अब अपनी प्रशंसा करने में मैं समय नष्ट क्यों करूं महाराज? आपका कार्य हो जाएगा, मैं आज रात्रि ही निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। आज्ञा है। कान्हा, कृष्णा, गोपाल, ना 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 जी, ठीक ना। कान्हा के विकास में बाधा ना बन सकती ना। कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों क्या इस समय? पर एक बार तो कह दीजिए प्रभु, आप फिर से आना आरंभ कर देंगे। अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप? मैं अवश्य आऊंगा। कृपया अभी आप सब जाइए, मैया जागने वाली है।
मैया का पल्लू थामे रहेगा। नाना, मैं इसके विकास में बाधा ना बनूंगी। कल से ही इसे गौचारण के लिए भेजूंगी मैं। मैं तो कहता हूं इससे उत्तम मूल्य यहां तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ। व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पे भरोसा ना है, तो हमें तो क्षमा करो। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला है। मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने, उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए ना? एक बार सोच ले काना। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तू खिलाया था, और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे। एक बार फिर से सोच ले काना, आज तू जो मांगेगो ना मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे सब कुछ दे दीजिए। अच्छा अच्छा, मेरो प्यारो लल्ला, मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए, और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए, और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए, और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए, और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है तो दे दी। सच्ची मैया? काना चलो ना। चल। रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा, कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम? हाँ, हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करनो है तो फिर ना करनो है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो, आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन। हाँ? हाँ? नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूं। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना, और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना, जहां मार्ग समाप्त होगो वहीं सामने मिल जाएगा तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है? मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है।
लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं, ना तो असत्य बोलना प्रिय है ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो, मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? तनिक अपना मुख तो देखो, छलिया ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है, लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात सुनो है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखना चाहिए, ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगतो है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो। भानु, बंसी। रूप स्वरूप में तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। जा रहा है, गांव वालों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अरे शीघ्र करो, तुम सबके कारण पहले ही विलंब हो गए है आज। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं काना गोचारण के लिए न चले गए हो। नाना मौसी ऐसा ना बोलो, हाँ तो फिर किसी दिन किसी कार्य में मन न लगेगो। आप सब तो बातों में ही समय निकालो, मैं तो चली कान्हा को निहारूंगी, तभी शांति मिलेगी हृदय को। अरे ठहरो, हम सब भी चल रहे हैं। गो गाइड। इस गोपी का रूप धारण करके मैं भी निहारता हूं इसके कान्हा को। जानकी, कान्हा,
तो कान्हा की मुरली की धुन है। विलंब हो गया है, वो तो वन में पहुंच भी गयो। बस करो मौसी, सुनने दो ना, कितनी मीठी धुन बजा रहे हो कान्हा। ये तो स्वयं ही मुझे बुला रहा है, अपना पता बता रहा है। अब तो इसके आखेट में और भी अधिक आनंद आएगा। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। हाय, कितना सुरीला बजाता है। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। यहाँ तो सभी बालक एक पाव पर खड़े हैं, तो फिर इनमें से कृष्ण कौन है? अद्भुत प्रभु, जो छलिया सारे संसार को अपने छलावे में फंसाता है, आज आपने उसे ही फंसा दिया। इन सब में से कौन है महाराज कंस का शत्रु, विष्णु का अवतार? कैसे पहचानूं मैं उस कृष्ण को? प्रभु की धुन है ही इतनी मीठी, इतनी कर्णप्रिय कि असुर तो क्या, सारी सृष्टि ही यहां आकर थम जाए।
कहीं ये तो नहीं है वो मेरा शिकार विष्णु अवतार।